हेलो भाइयों, हुंडई ने अपने एन लाइन क्रेटा लॉन्च की है। आप सभी को जैसा पता होगा 11 मार्च को एन लाइन लॉन्च किया है, तो सभी भाइयों के बीच में ना कंट्रोवर्सी हो रहा है कि भाई एन लाइन में और अपनी नॉर्मल क्रेटा में क्या क्या फर्क होता है। तो उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि एन लाइन और नॉर्मल क्रेटा में क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एन लाइन में कितने मॉडल आते हैं। तो एन लाइन में दो मॉडल आते हैं, N8 और N10। उसी में एक आता है मैनुअल ट्रांसमिशन वाला और एक आता है DCT। दो अपने यहाँ पे अपने को वेरिएंट देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर बात करते हैं नॉर्मल क्रेटा की, तो नॉर्मल क्रेटा के अंदर आपको जैसा कि पता है कि ई मॉडल से स्टार्ट होते हैं और SX ऑप्शनल तक अपना जाता है, जिसमें 17 वेरियंट अपने आते हैं। तो अपन सीधे बात करते हैं भाई प्राइस की कि एन लाइन कितने प्राइस से स्टार्ट होती है। तो एन लाइन अपनी स्टार्ट होती है 16,82,000 से 20,30,000 रुपए तक अपनी एन लाइन की प्राइस जाती है। और वहीं पे अगर बात करते हैं अपन नॉर्मल क्रेटा की, 11,00,000 से लेके 20,15,000 रुपए तक अपनी नॉर्मल वाली क्रेटा की जाती है। SX ऑप्शनल जो सबसे टॉप वाला वेरिएंट होता है, जिसमें टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है, वो अपना 20,15,000 रुपए तक अपना जाता है। अपन बात करते हैं कि भाई N8 के अंदर अपने को मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, N10 के अंदर भी मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और वहीं पे दोनों में DCT भी मिलता है। और एक बात और बता देता हूँ भाई, आपको अडास नहीं मिलता N8 के अंदर। हुंडई क्रेटा एन लाइन 8 के अंदर अडास नहीं मिलता है, और वहीं पे हुंडई क्रेटा N10 के अंदर आपको अडास मिलता है। और वहीं पे अगर अपनी नॉर्मल क्रेटा के अंदर अपन जाते हैं, तो वहाँ पे अपने को अडास मिल जाता है SX जो ऑप्शनल वाले, मतलब टॉप वेरिएंट के अंदर ही, मतलब SX से जो ऊपर वाले वेरिएंट जाते हैं उनमें सब में आपको अडास मिल जाता है। SX ऑप्शनल में भी आपको लेवल 2 अडास ही मिलता है। बात करते हैं इंजन की, तो अपनी जो एन लाइन क्रेटा है उसके अंदर सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अपने को देखने को मिलता है, वही 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल क्रेटा के अंदर, अपने को तीन इंजन देखने को मिलते हैं, डीजल 1.5 लीटर, पेट्रोल 1.5 लीटर, और वहीं पे अपने को 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो कि अपने को SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो वहीं पे अपन बात करते हैं अब इनके पावर की, तो कहूँ कि 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के अंदर अपने को मिलती है पावर 187 BHP, और अपने को मिल जाता है भाई 250 mm टॉर्क। और वहीं पे अगर बात करते हैं अपन डीजल, जो अपने नॉर्मल क्रेटा में डीजल इंजन आता है, उसमें अपने को पावर मिलती है भाई 114 BHP और 250 mm टॉर्क। और वहीं पे अगर आप अपन बात करते हैं पेट्रोल वाले इंजन की, तो अपने को 113 BHP और 143 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो भाई क्रेटा जो एन लाइन है अपनी, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक्सटीरियर वाइज, तो वो बता देता हूँ आपको कि भाई जो सबसे मेन चेंज किया है वो ग्रिल में है। जैसा कि आप देख रहे हो क्रेटा ये नॉर्मल है और ये क्रेटा अपनी एन लाइन है, इसके अंदर ग्रिल में काफी बड़ा फर्क आप देखने को मिलते हो। जहाँ पे अपनी नॉर्मल क्रेटा है मेजर आपको डिफरेंस मिलता है, वो इस रेड लाइन का है जो कि चारों तरफ आगे भी आप देख रहे हो, बम्पर के नीचे भी लगा रखी है और साइड में भी, बिल्कुल पीछे की तरफ भी आपको स्पोर्टी, इसके अंदर साइलेंसर भी मिल रहा है, मतलब काफ़ी सारा स्पोर्टी लुक बना दिया है जो कि आपको नॉर्मल क्रेटा के अंदर नहीं मिलता है। और नॉर्मल क्रेटा के अंदर आपको जैसे ही आपके DRL ख़त्म होते हैं तो ग्रिल चालू हो जाती है, और यहाँ पे बीच में एक पट्टी दे रखी है, और इसका ना ऐसे थोड़ा राउंड में आपको देख रहे हो कि राउंड में आपको एन लाइन का, बिल्कुल एन लाइन का राउंड में आपको बम्पर मिल रहा है, और वहीं पे नॉर्मल अपनी क्रेटा में देख रहे हो आपको बिल्कुल स्क्वायर पैरेलल आपको बम्पर मिल रहा है। तो ये काफ़ी मेरे को मेजर फर्क लगा है। तो फीचर वाइज बात करते हैं तो बिल्कुल भी फीचर्स में कोई फर्क नहीं है, सेम फीचर्स दोनों गाड़ियों के साथ में आते हैं। टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो अपन एक्सटीरियर में देख सकते हो आप 17 इंच के अलॉय व्हील आपको नॉर्मल क्रेटा के अंदर मिलेंगे, और वहीं पे आपको एन लाइन के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील और टायर आपको ऑफर किए जाते हैं। और बात करते हैं कि केबिन के अंदर जो आपको पूरा ऑल ब्लैक आपको एन लाइन के अंदर मिलेगा, वहीं पे अगर आप नॉर्मल क्रेटा की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ग्रे और मैट कलर का कॉम्बिनेशन आपको बना के दिया हुआ है। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहीं पे क्रेटा में आप जो देख रहे हो हुंडई i20 में एन लाइन में जो स्ट्रिंग आता है वही आपको ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी बेटर मेरे को लग रहा है, अच्छा दिखने में लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। बात करते हैं कि क्रेटा का जो एन लाइन वेरियंट है वो SX ऑप्शनल से कितना महंगा है, तो यही 30,000 रुपये का इनमें टोटल डिफरेंस है। और बात करते हैं कि भाई और क्या क्या डिफरेंस आता है, तो देखो गियर, आप गियर देख रहे हो, इस पर भी आपको एन लाइन की बैजिंग मिल रही है। आप बाहर एलो व्हील देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको एन लाइन की बैजिंग मिल रही है, और स्ट्रिंग पे भी आपको एन लाइन की बैजिंग मिल रही है। वहीं पर नॉर्मल क्रेटा के अंदर हुंडई का लोगो मिल रहा है आपको व्हील्स के अंदर, और बिल्कुल आपको सिंपल गियर नॉब मिल रहा है, और स्ट्रिंग डी कट आपको मिल रहा है लेदर स्ट्रेप। तो कुछ ये है भाई मेजर जो फ़र्क आप एन लाइन और नॉर्मल क्रेटा के अंदर अपन फ़र्क कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो में भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।